अच्छा ये DKT क्या है, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करें। ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट है। अच्छा। जो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट है जिसमें आपको कंपल्सरी क्वेश्चंस जिसमें 100% पास करना होता है और कुछ एक थोड़े से इजी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको 100% लेने की जरूरत नहीं होती है। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं ड्राइविंग स्कूल को चलाता हूँ जिसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक यहाँ रहने के लिए स्किल की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा लैंड मास है जहाँ पर आपको बगैर ड्राइविंग किए हुए बहुत मुश्किल हो सकता है। ये कोई छोटा पॉपुलेटेड शहर नहीं है जैसे आप दुबई है, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है जहाँ पर आपको लोकल ट्रैवल आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली आपको ड्राइविंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। रजनीश जी ये बताएं कि अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पर कितने दिन के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना चाहिए या अपने ओवरसीज लाइसेंस पे कितने दिन ड्राइव कर सकते हैं लीगली? देखिए हर स्टेट का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। वैसे 90 डेज के अंदर कन्वर्ट कर दें तब तक 90 डेज तक आप उस लाइसेंस पे यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। पर अगर आपका वो लाइसेंस जो ओवरसीज का है 3 साल से पुराना है तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है। अगर 3 साल से कम बना हुआ है जो ओवरसीज का लाइसेंस है तो आपको प्रोविजनल 1, प्रोविजनल 2 के प्रोसेस से जाना पड़ता है, पर लाइसेंस आपका बन जाता है। तो ये प्रोविजनल 1 और प्रोविजनल 2 इस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लगती है, कितना टाइम पीरियड लग सकता है? P1 P2 कंबाइंड करके 3 साल में पूरा कंप्लीट होता है। रजनीश जी आपने इसके ऊपर वो बोर्ड नहीं लगा रखा है जो ड्राइविंग के लिए लोग बोर्ड ड्राइविंग स्कूल वाले लगा करके रखते हैं? देखिए जो मार्केटिंग के लिए जो बोर्ड लगाते हैं वो मार्केटिंग बोर्ड है। अच्छा जी। आपकी लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ एल प्लेट्स को लगाना है। एल प्लेट लगा लेते हैं यहाँ पर जैसे आपने लगाई हुई है। हाँ जी, ये एल प्लेट लगा करके आपका काम चल जाता है। बिल्कुल, रिक्वायरमेंट लीगल की इतनी ही है। रजनीश जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रोसीजर शुरू कैसे होता है, लाइक सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए? जो ओवरसीज से आते हैं उनको ओवरसीज लाइसेंस अगर है उनके पास, हाँ जी, तो उनके लिए बेसिकली सबसे पहले तो उनको RMS के ऑफिस जाके, रोड मैरिन सर्विसेज के ऑफिस जाके, RTA जिसको बोलते हैं, वहाँ जाके अपना पंजीकरण करना पड़ता है। ओके, रजिस्टर ID करना पड़ता है। वो आइडेंटिफिकेशन आपके 100 points मतलब आपके पासपोर्ट और दूसरे कोई जो IDs है और ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका है उसके बाद में वो 100 points के बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उस लाइसेंस के बाद में आपको DKT करना पड़ता है। तो मित्रों बने रहिए साथ में, अभी हम रजनीश जी से और कई चीज़ें जानेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी ही चाहिए? देखिए जब भी आप ड्राइविंग करते हैं, हाँ जी, अकेले नहीं होते हैं, कुछ लोग और बैठे होते हैं गाड़ी में, हाँ जी, और आपका म्यूजिक भी ऑन होगा आपका, हो सकता है फोन भी आपका लगा हुआ, नेविगेटर भी है, हाँ, तो पहले तो ये मल्टीटास्किंग वर्क है, राइट, जहाँ पर आपको हर चीज का ध्यान रखना है, पर आपका फोकस डेफिनेटली ऑलवेज मोर देन 100% आपको रोड पे देना है कि रोड की स्पीड मार्किंग क्या है, कौन सा साइन कहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपको किस स्पीड से चलाना है, क्या कोई गिववे रूल कोई चेंज हुआ है या राउंड अबाउट आया है या मल्टी लेन रोड आया है, तो उसके हिसाब से आपको चलाना है। ऑब्जर्वेशन में हमेशा आपको देखते रहना है, मिरर में देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है कि कोई चीज़ और तो नहीं, खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना आपको, right. जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और रोड पे बाकी लोग आप वो भी ठीक चल रहे हैं, जरूरी नहीं है, दूसरे right. वाला भी गलती कर सकता, तो आपको उसको उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तो मतलब इतनी अलर्टनेस होनी चाहिए कि अपनी तो गलती नहीं हो, दूसरा अगर कोई गलती कर रहा है तो खुद को आप उससे प्रोटेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते। ओके, अब ये बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना डिफिकल्ट है इस कंट्री में और क्यों डिफिकल्ट है? इसलिए डिफिकल्ट है कि हम जब हमारे हिंदुस्तान से आते हैं लोग या एशियन कंट्री से आते हैं, हम रूल नहीं फॉलो करते वहाँ और वो इतने मच्योर हो चुके होते हैं वो आपके रूल ना फॉलो करने के लिए रूल ना फॉलो करने के लिए इतने मच्योर हो चुके होते हैं कि उन हैबिट्स को वो नहीं गिव अप कर सकते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान में ड्राइविंग करते हैं वहाँ पर डिफेंसिव ड्राइविंग करते हैं, इधर से कोई टांगे वाला ना आ जाए, इधर से मोटरसाइकिल वाला ना, यहाँ डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं करनी है, आपने रूल बेस्ड ड्राइविंग करनी है। अब ये देखिए रजनीश जी कर रहे हैं कर्ब साइड पार्किंग। कर्ब साइड पार्किंग में है कि आप सामने से आते हैं और डायरेक्ट, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में पर्याप्त स्पेस हो
और इस प्रकार से आप गाड़ी को ला करके और खड़ी कर देते हैं। तो ये थी कर्ब साइड पार्किंग। जैसे कर्ब साइड पार्किंग का है जो स्पेसिफिकेशन है वो कर्ब से 300 सेंटीमीटर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और कर्ब में हिट हो गया तो फेलियर, मतलब एक गैप होना चाहिए, ये इसका नियम है। इसके बीच में कहीं पर भी आप 300 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर का गैप होना। आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ही ढंग से समझा सकता है कि उसमें आपने कैसे चलाना है और अपनी फैमिली को कैसे करके सेफ रखना है इन फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो आप उन लोगों को जो नए लोग इस देश में आए हैं और जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, तो आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम उन्हें अगर ड्राइविंग आती भी हो तो कम से कम कितने क्लास हैं जो उन्हें किसी ड्राइविंग ट्रेनर से सीखनी चाहिए या लेनी चाहिए, कितनी क्लासेस लेनी चाहिए? आई थिंक 2 घंटे के 2 लेसन्स ले लें तो काफ़ी कुछ सीख जाता है जिनको एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है। मतलब अगर ये आपके हिसाब से 1-1 घंटे की 4 क्लास हो गई, मतलब 2-2 घंटे की 2 क्लास अगर लेते हैं तो उसके बाद में वो जा करके टेस्ट में बैठ सकते हैं। शक्ति जी, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए मैं मानता हूँ कि कम से आप 2-2 घंटे के क्लासेस लें। अच्छा, अगर आपको एक्सपीरियंस ड्राइविंग का है। हर टेस्ट सेंटर में 3 से 4 रूट्स हैं, राइट? तो 2 रूट भी अगर आप कर लें कम्बाइंड करके तो उससे आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। अगर आपके 10 स्टूडेंट्स ने सपोज टेस्ट दिया है तो उसमें से कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, क्या रेशियो? नॉर्मली अगर वो अपने आप फोर्स ना करे और टेस्टिंग जो आपको इंस्ट्रक्टर है उसकी गाइडेंस से चलेगा और टेस्टिंग आपके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया है कि आप तैयार हो, तो लगभग आपका 70-80% स्टूडेंट पास हो जाता है। मतलब 10 में से लगभग 7 स्टूडेंट हैं जो पहली बार में ही पास हो जाते हैं, वही जिनके लिए वो टेस्टिंग आपके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप रेडी हो। अब मित्रों, रजनीश जी करने वाले हैं रिवर्स पैरेलल पार्किंग। रिवर्स पैरेलल पार्किंग का मतलब होता है पहले गाड़ी आपकी इस तरह से आगे जाएगी और जो आपके पैरेलल गाड़ी खड़ी हुई है उसके और आपकी गाड़ी के बीच में लगभग 1 मीटर का फर्क होना चाहिए, और उसके बाद आप पीछे लेते हैं बिल्कुल काट करके और फिर गाड़ी को सीधा करके, और जनरली एक बार में ही लोग पार्क कर लेते हैं, लेकिन इसमें आप चाहें तो 2 से 3 बार भी इसको आगे पीछे करके गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। देखिए, ये हो गई रिवर्स पैरेलल पार्किंग, और ये जब टेस्ट ऑफिसर आपका टेस्ट लेते हैं तो इस तरह से आपसे गाड़ी पार्क भी करवा, एवरी मिनट में वो 4 पैरामीटर्स को चेक करते हैं। राइट, पेपर में बताया था ना, हाँ जी, कि 4 चीज़ें वो चेक करते हैं, उनमें से पहली है स्पीड, हाँ, दूसरी है पोजीशन, राइट, तीसरा है डिसीजन, राइट, चौथा है व्हीकल कंट्रोल, ओके, और पांचवा है हैजर्ड एंड हैजर्ड रिएक्शन, ओके, राइट। सो आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप स्पीड कम करोगे, राइट, कुछ करोगे, पर जो कोई ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ऐसे लोग भी तो आते होंगे। में तो देखिए, जितना मर्जी आपको स्किल है, कितनी अच्छी आप पार्किंग करते हैं, 3-point turn करते हैं, कहीं ना कहीं आप कोई ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर दोगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ड्राइविंग आपका मल्टी स्किल टैलेंट है, कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस का काम नहीं है। राइट, यहाँ पर जो टेस्टिंग ऑफिसर है तो वो कितने देर का टेस्ट लेते हैं? मैं खुद भी 2 साल टेस्टिंग ऑफिसर रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ, मैं देखिए उसमें आपको जो पहला एटीट्यूड उनका होता है कि किसी ढंग से स्टूडेंट पास हो जाए, ओके, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगा तभी तो काम पे जाएगा, राइट राइट, तभी तो कमाएगा खाएगा। हाँ, तो ये स्ट्रेटजी है देश की कि पास करना है लोगों को, राइट, पर कुछ एक रूल्स, रूल बुक से बाहर वो नहीं जाएगा, ओके, रूल बुक से बाहर नहीं जाएगा। जो टेस्ट है आपका लगभग 30 से 35 मिनट की ड्राइविंग होती है, उस टेस्ट में आपके मिनिमम 30 से 35 लेफ्ट राइट टर्न्स होते हैं। अच्छा जी, और 10 गिवे साइंस होते हैं। गिवे साइंस हो गए जैसे आपका स्टॉप साइन, राउंड अबाउट, राइट, ट्रैफिक लाइट्स, ये सभी गिवे साइन होंगे, या टी इंटरसेक्शंस, जो भी है, जिस तरह के भी हर्डल्स आपके 10 जो है रूल बुक बेस्ड आपके टर्न्स होंगे, और 2 लो स्पीड मनूवर्स होंगे। लो स्पीड मनूवर्स में क्या होते हैं, एक तो कर्व साइड पार्किंग होती है, राइट, और दूसरे वाला या तो उसका 3-point turn होगा, राइट, या उसका रिवर्स पैरेलल पार्किंग होगा, राइट, और जो राइट एंगल पार्किंग है वो पार्ट ऑफ टेस्ट नहीं है, पर वो आपके टेस्टिंग सेंटर में निकलने और बाहर निकलने के लिए काम में आती है, करेक्ट। और 2 मिनिमम स्पीड जोन्स होते हैं, कोई भी स्पीड जोन हो सकते हैं, 40, 50, 60, 70 के मिनिमम 2 डिफरेंट स्पीड जोन में जाना होता है। ये लगभग टेस्ट का फॉर्मेट है, okay. और उस टेस्ट फॉर्मेट के 3 लेवल के कुछ जो आपका फॉर्मेट्स है, right.
पहले वाले सेक्शंस में आपको 90% स्कोर करना है, छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हो। ओके, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, मतलब 100 में से 90% आना चाहिए। और दूसरे वाले सेक्शंस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम माना जाता है, एक तो इंडिकेटर, ओके, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन। राइट, जो इंडिकेटर है उसमें आप पूरे टेस्ट में सिर्फ दो ही गलती कर सकते हो। इंडिकेटर को आपकी तीन तरह की गलती हो सकती है, कम इंडिकेटर देना, इंडिकेटर नहीं देना, या इंडिकेटर ऑफ नहीं करना जब ऑफ करना चाहिए, या रॉन्ग इंडिकेटर देना। इनमें से कोई सी भी आपकी गलती होगी तो गलती होगी। यहाँ टाइमिंग भी है कि अगर आपको राइट टर्न करना है या आपको लेन चेंज करनी है तो कितनी देर तक इंडिकेटर आपका जलना चाहिए, या कितना पहले आप इंडिकेटर शुरू करके लेफ्ट टर्न करें। हाँ, या राइट टर्न जो रूल बुक है उसके मुताबिक 30 मीटर पहले आपको इंडिकेटर देना जो भी कोई काम करना है। अच्छा, पर वो जो रूल बुक है वहाँ कंडीशन लिखी हुई है जो 30 मीटर पहले 50 किलोमीटर के जोन में। राइट, अगर आपको 80 के जोन पर चल रहे हो, 100 किलोमीटर के जोन पर चल रहे हो, या तो उसके लिए बेस्ट है कि आपके इंडिकेटर कम से कम 4 से 5 बार ब्लिंक करे, वो बेटर वे है। अच्छा 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 अच्छा, टिक 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 5 बार हो जाए, उसके बाद वो काम होना चाहिए, टर्न करना चाहिए आपको, लेन चेंज करना चाहिए। सपोज अगर 30 मीटर से ज्यादा इंडिकेटर जल गया और फिर हमने चेंज किया तो क्या ये उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? उससे कम नहीं होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम। राइट, ओके। और जब इंडिकेटर आप जब उसका काम फिनिश हो गया, वो काम हो गया जब इंडिकेटर वाला, जिसके लिए आपने इंडिकेटर दिया था, उसके बाद इंडिकेटर बंद कर दें। बंद करना, देखो 99% ऑफ द टाइम आपका ये स्टीयरिंग व्हील के मूवमेंट से बंद हो जाता है। हाँ, राइट। पर जब नहीं हो तो छठे ब्लिंक से पहले आपने बंद करना है। ओके, ये नियम है। नियम है, और ये छोटे छोटे हैं, लेकिन ये ऑफिसर इन चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं और उसी पे आपका पास होना डिपेंड करता है। ये इंडिकेटर का है, जैसे आपको ऑफिसर ने बोला कि थर्ड लेन में लेफ्ट लेना है, इंडिकेटर आपने यहाँ से दे दिया, फर्स्ट में भी नहीं गए, सेकंड में भी नहीं गए, थर्ड में जाना था, अब इंडिकेटर आपने तो बहुत जल्दी दे दिया ना, वो भी गलत ना, वो भी गलत है। उसके बाद वो क्या रिपोर्ट वगैरह भी कुछ बना रहे होते हैं जब आपका टेस्ट लेते हैं? बिल्कुल, रिपोर्ट देते हैं, ऐसी एक रिपोर्ट बन के आती है वो सभी स्टूडेंट को टेस्ट के बाद मिलती है। अच्छा जी, इस रिपोर्ट में 3 सेक्शन ये हैं, इसमें जो टिक लगे हैं क्रॉस और राइट के, इसके हिसाब से ही आपका एक तरह से स्कोर बोर्ड इसी में आपको स्कोर करना होता है, उसके हिसाब से ही पास कर। ऑस्ट्रेलिया में पार्किंग के भी रूल्स होते हैं कि कैसे आपको पार्क करना चाहिए, और वो अपने टेस्ट में भी शामिल होता है। हाँ, टेस्ट में भी होते हैं ना, ऑफिसर भी करवाते हैं। तो मित्रों बने रहिए साथ में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे चैनल में आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट करके, अगर आपको कोई जानकारी पूछनी है तो आप अवश्य लिख करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सिडनी में रहते हैं, क्योंकि हम लोग सिडनी में हैं, तो आप रजनीश जी का नंबर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपको, और अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको रजनीश जी का नंबर दूंगा। बहुत एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी व्यक्ति हैं, और सबसे अच्छी बात की बहुत कोऑपरेटिव है, इनसे अगर आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना स्मूथली और कितने कम टाइम में ज़्यादा पैसे खर्च कराए बगैर आपको ड्राइविंग सिखा देंगे। बने रहिए साथ में, अभी कुछ बातें और सिखाने वाले हैं रजनीश जी हम। तो ये देखिए मित्रों, अब ये रजनीश जी करने वाले हैं राइट एंगल की पार्किंग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पार्किंग के लिए यहाँ पर मार्क किया गया है, और जनरली यहाँ एक बार में ही लोग ये राइट एंगल पार्किंग करेक्टली कर लेते हैं बराबर। देखिए रजनीश जी ने दोनों पट्टियों के बीच में, सफ़ेद पट्टियों के बीच में राइट एंगल पार्किंग इसे बोलते हैं, और जब यहाँ पर आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होते हैं तो इस तरह की पार्किंग आपको करवाई जाती है। तो बंधुओं, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी कि आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें जानकारियाँ दी जो कि यहाँ की ड्राइविंग से रिलेटेड हैं। और रजनीश जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस देश में आकर के ड्राइविंग सीखना चाहते हैं? आते ही आप कोशिश करें कि ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, राइट, विद इन 90 डेज, राइट, क्योंकि इससे आपको कन्वीनियंस होगी। आपके जो भी काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लोग आते हैं उनको तो देखो ड्राइविंग आना कितना कंपल्सरी है, चाहे वो कोई भी काम करें, राइट, दूर दूर जाना पड़ता है, तो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट,
जो वर्किंग क्लास आ रही है उनको भी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो कैसे चलाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे घर ढूंढेंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है। रजनीश जी का कहने का जो लब्बो लुआब है वो ये है कि भैया 90 डेज के अंदर अगर आप लाइसेंस बनवा लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज क्या होगा, 90 डेज के बाद में आप फॉरेन के लाइसेंस जो भी वो, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या श्रीलंका से हो, या किसी भी दूसरे कंट्री का जो लाइसेंस है उस पर आप ड्राइव कर नहीं सकते हैं। और अगर आपका लोकल लाइसेंस नहीं है तो आपको काम में बड़ी दिक्कत हो सकती है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई लग्जरी नहीं है, यहाँ की आवश्यकता है, तो इसके लिए लाइसेंस बनवा लीजिए। और अगर किसी को भी सिडनी में लाइसेंस बनवाना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रजनीश जी के सारे कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा। वैसे भी मैं इसमें इनका नंबर देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी लेके आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो $2-5 ये कम कर देंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।